एवरीवन, माय सेल्फ प्रियांश राहुल, और अभी अब मुंबई में है मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ, और अभी हम बहुत सारी गैलरी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यहाँ की जो दो मेन जो गैलरी है, जैसे कि नेशनल, एक नेशनल आर्ट गैलरी है और जहांगीर आर्ट गैलरी है, तो जहांगीर आर्ट गैलरी के सामने हम लोग खड़े हैं अभी, और अभी 10:45 AM हुआ है और 15 मिनट बाद ये गैलरी खुल जाएगी। तो अंदर जाएंगे, देखते हैं कैसे कैसे पेंटिंग्स लगी है, कैसे आर्टवर्क्स लगे हैं। कई सारे आर्टिस्ट यहाँ पे अपने आर्ट को प्रेजेंट करते हैं, तो उनके वर्क्स देखेंगे, फिर नेशनल गैलरी जाएंगे, वहाँ के वर्क्स देखेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा, बड़े बड़े आर्टिस्टों के वर्क देखोगे, आप समझ सकोगे कि कैसे वो वर्क करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आइए स्टार्ट करते हैं। हम जा रहे हैं जहांगीर आर्ट गैलरी और वहाँ देखते हैं कितने वर्क्स लगे हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेशनल गैलरी। तो पहले जहांगीर गैलरी देखते हैं, चलो। तो ये फाउंडर हैं जहांगीर आर्ट गैलरी के। जहांगीर आर्ट गैलरी की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। साइड में डिटेल्स दी गई हैं कि अंदर क्या क्या है, कितने हॉल्स हैं, क्या सेल्स रूम और टेरेस में एक गैलरी है, सब चीज़ यहाँ पर साइड में अच्छे से दे दी गई है। ओवरव्यू आप ले सकते हो गैलरी के अंदर जाने से पहले। साइड में पैम्पलेट भी लगे हुए हैं कि अंदर कौन से एग्जीबिशंस चल रहे हैं या आने वाले टाइम में कौन से एग्जीबिशंस चलेंगे, तो सब डिटेल्स यहाँ पे दे दी गई है, तो आप एक बार ओवरव्यू कर सकते हो। जहांगीर आर्ट गैलरी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस गैलरी है, और ये वाला जो हॉल अभी हम जो देखेंगे, ये हॉल सबसे बड़ा हॉल है यहाँ का। यहाँ पर काफ़ी सारे वर्क्स लगते हैं और कई सारे लोग ऑल ओवर इंडिया और आउटसाइड इंडिया के भी लोग यहाँ पे अपने वर्क एग्जीबिट करते हैं। ऑयल पेंटिंग हो या स्केच हो, हर मीडियम में वर्क्स लगते हैं, हर साइज में वर्क्स लगते हैं, और यहाँ पे आप अपने वर्क्स लगाना चाहो, अगर आप एक आर्टिस्ट अपने वर्क्स लगाना चाहो तो आप ये लगा सकते हो, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। ऑनलाइन इनकी साइट है जहाँ पे आप इनसे जाके बात कर सकते हो। साल भर में कई सारे एप्लीकेशन आते हैं और उनमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों को यहाँ मौका मिलता है। थोड़ी कॉस्टली है बट जो यहाँ पे वर्क्स लगते हैं काफ़ी हाई क्वालिटी के रहते हैं, और जो सेल भी होते हैं वो काफ़ी अच्छे प्राइस में सेल होते हैं। तो ये वर्थ इट होती है यहाँ पे अपना वर्क डिस्प्ले करना, एक आर्टिस्ट का एक ख्वाब होता है कि वो एक अच्छी गैलरी में, एक फेमस गैलरी में अपने वर्क लगाए, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ये आप वर्क देख रहे हो, स्टिपलिंग वर्क, जहाँ डॉट डॉट से वर्क बनता है। तो ये वाली जो पेंटिंग है, रियलिस्टिक पेंटिंग, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें जो ड्राइंग बनाई गई है वो पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो ट्रैक हैं ये ट्रेन के, वो पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं, और ये जो साइड प्लेन है और ये जो फ्रंट प्लेन है, ये साइड और फ्रंट प्लेन को बहुत अच्छे से पर्सपेक्टिव में रखा गया है। 2-point पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है जो इसकी फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और आपको एक अच्छी ड्राइंग के लिए, एक रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए, आपको पर्सपेक्टिव वगैरह अगर इस टाइप की ड्राइंग बनाते हो तो वो सही रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस पेंटिंग में जो लाइट इफेक्ट है बहुत अच्छा लगा मुझे। पूरी पेंटिंग को अगर आप लाइट कर दोगे तो वो डार्क का इफेक्ट नहीं आ पाएगा। तो शेडोज़ दिखाने से जो यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है कि इस ट्रेन के सामने में धूप पड़ रही है, वो तभी फील होगा जब आप डार्क वाले एरियाज़ को सही तरीके से करोगे। तो डार्क होने से ही लाइट के होने का इम्पोर्टेंस पता चलता है। तो लाइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक रियलिस्टिक पेंटिंग में, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और इसके आर्टिस्ट हैं फरे उदय अरुण। सेकंड पेंटिंग, ये जो रियलिस्टिक है मॉडल स्टडी, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके जो बैकग्राउंड है वो पैची रखा गया, उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं किया गया ताकि जो हमारा फोकस पॉइंट है वो फिगर में आए। आर्टिस्ट का नाम है कुम्हार रोहन नामदेव, काफ़ी अच्छा वर्क किया है इन्होंने, और आप जैसे ही देख सकते हैं उसमें भी लाइटिंग का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया है। जो आर्टिस्ट का जो क्वालिटी है उसको ये दिखाती है कि आर्टिस्ट बहुत कुछ जानता है वर्क के बारे में, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया। तो ये वाला जो पार्ट है इसको डार्क रखा गया है एज़ कम्पेयर टू द अपर एरिया। अपर एरिया में लाइट आ रही है ये दिखाने के लिए, लोअर एरिया को डार्क रखा गया है। साथ ही साथ साइड वाले एरिया को ज़्यादा डार्क किया गया है ताकि वो बैकग्राउंड थोड़ा सा पीछे हो जाए और हमारा जो मेन फोकल पॉइंट है जो कि ये लेडी है वो सामने आ सके। और पैर वाले एरिया को थोड़ा डार्क रख दिया गया ताकि वो पीछे दब जाए और फोकस चेहरे वाले एरिया पर आए।
थर्ड पेंटिंग जो यहाँ रियलिस्टिक है, साथ ही साथ थोड़े पैच वर्क्स भी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें भी पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये पेंटिंग बहुत अच्छे से बनाई गई है। पास वाले एरिया को डार्क रखा गया है, दूर वाले को लाइट, जिससे डेप्थ आ रही है इस पेंटिंग में। और दूर वाले एरिया के जो कलर हैं उसको भी थोड़ा सा म्यूटेड, थोड़ा सा डल किया गया है, ताकि जो डेप्थ है वो बढ़ सके पेंटिंग में। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस वर्क में। और आप इसमें भी लाइटिंग का इफेक्ट अच्छे से देख सकते हो, डार्क होने के कारण ही लाइट वाला जो फील है वो आ पा रहा है। और एक चीज़ मैं आप दिखाता हूँ, पास से अगर आप इस वर्क को देखो तो इसमें टेक्सचर्स हैं, पैच वर्क्स हैं, और इसमें पेंट की थिकनेस है, और जो पास का एरिया है उसमें पेंट की थिकनेस जो टेक्सचर्स है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो एरिया जो दूर में है। तो अगर आप एक एरिया में ज़्यादा मोटे, ज़्यादा थिक कलर लगाते हो, ज़्यादा पैच लगाते हो, तो ऐसा लगता है कि वो एरिया थोड़ा सा पास है, क्योंकि पास वाले एरिया को हम ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। इसलिए ज़्यादा टेक्सचर्स पास वाली चीज़ों में, जैसे ये स्कूटी खड़ी है जिसको बहुत अच्छे से बनाया गया है इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल में, तो वहाँ पे बहुत सारे थिक कलर इस्तेमाल किए गए हैं, तो जिससे ये पेंटिंग की जो डेप्थ है वो बढ़ रही है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है रियलिस्टिक पेंटिंग बनाते समय। ये एक मॉडल स्टडी है एक बच्चे की, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड ये पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी रियलिस्टिक काम में। इसमें भी डिटेल्स काफ़ी अच्छे से किए गई हैं आर्टिस्ट द्वारा, एंड ये कुछ नया वर्क मुझे लगा। ये जो आर्ट की नाइफ आती है बारीक सी, उससे काट काट कर इसे बनाया गया है, बिल्डिंग्स के जो शेप्स हैं। तो ये इन पर्सन बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। एक वाटर कलर स्टडीज़ है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वाटर कलर स्टडीज़ हैं, ये वाली तो बहुत अच्छी लगी मुझे, आप देख सकते हो। एंड ये एक हेड स्टडी है, ये भी फ्लो वर्क में किया गया है। और ये वाला जो वर्क है इसकी लाइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कलर इस्तेमाल किए गए, जो लाइटिंग दिखाई गई मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पैच वर्क में कुछ मॉडर्न स्टाइल के भी वर्क्स यहाँ पे हैं, तो हर स्टाइल के वर्क्स यहाँ पे लगे हैं, और हर टाइप का आर्टिस्ट यहाँ आ सकता है, अपने हिसाब से वो वर्क को देख सकता है। और यहाँ पे ये जो स्कल्पचर है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसकी जो एनाटॉमी स्टडी है, तो ये सब मास्टर वर्क्स हैं, बड़े बड़े मास्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पे अपने वर्क्स दिखाते हैं, काफ़ी अच्छे वर्क्स लगे हैं। एंड ये वाटर कलर आप देख सकते हो कितना रियलिस्टिक है, कितने अच्छे से बनाया गया है, खासकर जो लाइटिंग दिखाई गई है कितने अच्छे से दिखाई गई है, जो एजेस हैं आप देख सकते हो कितने शार्प एजेस हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइटिंग दिखाई गई है। एंड ये ऑयल पेंटिंग बहुत रियलिस्टिक, बहुत अच्छी लगी मुझे। आर्टिस्ट का नाम है सिंधे मंगलेश सुभाष राव, और काफ़ी अच्छा वर्क लगा मुझे, छोटा है और बहुत सुंदर है। लाइटिंग वगैरह, जो एजेस वगैरह बहुत अच्छे से इस पेंटिंग में दिखाए गए हैं। ये एक अलग टाइप की वर्क है, बहुत सुंदर लगा। ये मुंबई की जो ट्रेन है, लोकल ट्रेन, उसकी भीड़ को दर्शाता है, और आर्टिस्ट का अपना नज़रिया था इसको बनाने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लैंडस्केप मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स छोटे छोटे हैं, इस स्कल्पचर का नाम था हनी मून, बहुत अच्छा नाम, आर्टिस्टिक वर्क, आर्टिस्टिक नाम, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये। एंड ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो कितने अच्छे से लाइटिंग को दिखाया गया है, राइट साइड में डार्क रखा गया है, जो आईज है वो बिल्कुल ही गायब हो गई है, और लाइट कितनी स्ट्रांग है, लाइट को दिखाने के लिए इस एरिया को कितना डार्क रखा गया है, और जो डेप्थ आ रही है दीवार को पीछे में हल्का स्लाइड देने के कारण, जो जो हमारा मेन जो फोकल पॉइंट है वो फेस में जा रहा है, तो बहुत अच्छे से वर्क किया गया है। एंड ये साइड में जो टैग लगाया गया है जो अवॉर्डेड वर्क्स हैं उन पे, तो काफ़ी अच्छा वर्क है, अवॉर्डेड वर्क है ये, काफ़ी सारे वर्क्स लगे हैं यहाँ पे। एंड ये जो वर्क है ये विनीत कुमार सर का द्वारा है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो, उन्होंने मास्टर्स किया है आर्ट में, और उनकी एक वीडियो में मैंने उनका शूट भी किया था, तो आप देख सकते हो, आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो इनका जो टेक्सचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनका जो स्टाइल है वर्क का वो यूनिक है। तो ये रहा हमारा ये हॉल जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी सारे वर्क्स लगे हैं इनमें, आप पर्सनली विजिट कर सकते हो, बहुत सारे वर्क्स आप देख सकते हो। एंड ये सेकेंड हॉल है जहाँ पे एक आर्टिस्ट हैं, काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके वर्क्स लगे हैं, तो इनका स्टाइल खुद का अपना एक अलग स्टाइल है। तो कमल कांत सर बहुत प्रोफेशनल, बहुत सीनियर आर्टिस्ट, उनका वर्क लगा था। एंड ये ऑडिटोरियम हॉल है यहाँ का, काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे एग्जीबिशन शोज चलते हैं, जो अवार्डेड जो विनर्स होते हैं, जो अवार्डेड कंटेस्टेंट्स रहते हैं, उनको यहाँ पे स्टेज में सम्मानित किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। और
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कई सारे वर्क्स लगे हैं, अलग अलग मीडियम्स में, अलग अलग साइजेस में, अलग अलग थीम्स हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे वर्क्स डिस्प्लेड हैं। तो मुझे रियलिस्टिक पसंद है और रियलिज्म में मुझे ये वाला वर्क बहुत अच्छा लगा। ये फिगर स्टडी को डिटेल में बनाया गया है, साथ ही साथ बैकग्राउंड को भी एक अलग सा पैटर्न दिया गया है, मुझे ये वर्क भी बहुत अच्छा लगा। एंड जिस तरीके से इन्होंने कलर का सिलेक्शन किया है, आप उसको चीज़ को देखिए, आप जब भी एक वर्क देखते हो आप हर चीज़ को देखिए, ये नहीं कि सिर्फ अच्छा लगा और आगे बढ़ गए, हर चीज़ को समझने का ट्राई कीजिए। अब हम बाहर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर में एक एग्जीबिशन लगा है चेहरे द एक्सप्रेशंस, तो ये थीम है इनके ऊपर, रंजन जान, तो ये एक आर्टिस्ट हैं एंड इन्होंने अपना वर्क यहाँ पे लगाया गया। ऊपर एक और गैलरी है जहांगीर आर्ट गैलरी के अंदर, एक छोटी सी एक सेक्शन है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ पे चलते हैं अब। तो यहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं थी इसलिए मैं डिटेल में वीडियो नहीं कर सका, बट आप ओवरलुक देख सकते हो कि कितना बड़ा स्पेस है। यहाँ पे भी एक थीम के ऊपर पूरे वर्क्स लग रखे हैं, चेहरे जो थीम है चेहरे उसके ऊपर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेरेस। टेरेस पे भी एक गैलरी है जहाँ पे फोटोज़ वगैरह पे एग्जीबिशंस लगते हैं। तो रॉक्स एंड वेव्स थीम है अभी का जो अभी एग्जीबिशन चल रही है, वैभव जयगश्री एंड प्रकाश दुधलकर के द्वारा ये एग्जीबिशन चल रही है। तो अभी हम टेरेस में चलते हैं, ये रही वो गैलरी। तो ये अलग से एक सेक्शन है जहाँ फोटोग्राफिक इमेजेस के ऊपर एग्जीबिशंस चलती हैं। तो आसपास का जो एरिया है काफ़ी ग्रीनरी है आसपास, बहुत बड़ा एरिया जहांगीर आर्ट गैलरी का, बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे। एंड आप देख सकते हैं टेरेस गैलरी फॉर फोटोग्राफी एंड विजुअल आर्ट, विजुअल आर्ट में प्रिंट मेकिंग ग्राफिक्स वगैरह भी आते हैं, तो वो सब के भी एग्जीबिशंस यहाँ टेरेस पे लगते हैं। तो जो भी फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है वो भी यहाँ पे अपने एग्जीबिशंस लगा सकते हैं। आप देख सकते हो कितने डिटेल में फ़ोटोज़ खींची जाती हैं, कितनी अच्छे तरीके से लाइटिंग्स को देखा जाता है। फ़ोटोज़ के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बट आप जो लोग फोटोग्राफी करते हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप एक बार ओवरलुक में यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप देख सकते हो कितने डिटेल में फ़ोटो लगाई जाती है, कितने अच्छे से उसको फ्रेम करा के डिस्प्ले किया जाता है प्रोफेशनली। तो आप ये सब चीज़ को ज़रूर देखिए, अगर आप किसी बड़ी गैलरी में वर्क डिस्प्ले कर रहे हो तो हर चीज़ को आप देखिए कि कैसे उसको डिस्प्ले किया जाता है, क्या तरीका होता है, हर तरीके का जो फ्रेम है देखिए, फ्रेम भी एक तरीके का रखा गया है, उससे एक अच्छा लुक आता है वर्क में। सर एक हेलो कर दीजिए। हमने जहांगीर आर्ट गैलरी देखा, अब आपको यहाँ के वर्क्स कैसे लगे, आपको जो चीज़ें मैंने बताई दिखाई आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको घुमाऊंगा नेशनल गैलरी मुंबई की, वो भी काफ़ी अच्छी गैलरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप रेडी रहिएगा, एक और आर्ट का एक वर्ल्ड है जो नेशनल गैलरी है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप मेकिंग आर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।